मेरा नमस्कार, मैं विकास धनखड़ सागर क्लासेज रोहतक के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट, हमारा जो ये अगला टॉपिक है अर्थमेटिक का प्रतिशत पढ़ेंगे हम, परसेंटेज। देखिए ये परसेंटेज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, क्योंकि इस परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस हो गया चैप्टर हमारा, इंटरेस्ट जो हमारा ब्याज का चैप्टर, चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो, पूरा प्रॉफिट लॉस हो गया, हर जगह अर्थमेटिक आप जो भी चैप्टर देखोगे ना, उसमें हर जगह आपको परसेंटेज मिलेगा, चाहे कोई भी चैप्टर देख लेना आप अर्थमेटिक का। और देखो इस परसेंटेज पे बेस्ड होता है लगभग पूरा ये अर्थमेटिक। इस परसेंटेज को आप अच्छे से समझ लोगे तो अर्थमेटिक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए इसमें परसेंटेज में आप पढ़ते होगे, बहुत अच्छे से पढ़ा भी होगा आपने। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? प्रतिशत, जिसको हिंदी में बोलते हैं। सौ पे कोई चीज़ जो होती है उसको क्या बोलते हैं? प्रतिशत, परसेंटेज इसको बोलते हैं। सौ पे कोई चीज़, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 25%, इसका मतलब क्या है? सौ में से 25। परसेंटेज हटाने के लिए क्या लगा देंगे? इसके नीचे 100 लगा देंगे। तो देखिए कुछ हम ऐसे तरीके से पढ़ेंगे इसको, बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे इस प्रतिशत चैप्टर को। जैसे देखिए मैं आपके सामने एक भिन्न लिखता हूँ, फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं, 1/4। मैंने ये एक भिन्न लिख दी फ्रैक्शन, और मैं आपसे कहता हूँ इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए आप, तो क्या करोगे? प्रतिशत में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी भिन्न को, तो ये किस में चेंज हो जाएगी? प्रतिशत। तो कितना आ जाएगा? 25%। ऐसे ही हमें कुछ और भिन्न देखते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 1/5, और मैं इसको बोलता हूँ आप इसको प्रतिशत में चेंज कीजिए, तो क्या करोगे आप? आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना हो जाएगा ये? 20%। अब देखिए स्टूडेंट, हमने कुछ नहीं करना इस पूरे चैप्टर में, हमें परसेंटेज में डाटा मिलेगा, 20%, 25%, इस तरीके से डाटा मिलेगा हमें क्वेश्चन में इस पूरे परसेंटेज चैप्टर में। अब मैंने आपसे कहा जो ये 25% है इसको आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिए, भिन्न में चेंज कीजिए, तो आप क्या करोगे? इस 25 और परसेंटेज हटाने के लिए अपॉन में 100, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1/4। तो आप ये ध्यान रखना कि 25% का मतलब क्या होता है? हमेशा 1/4। ऐसे ही आप देखोगे 20%, इस परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे क्या लगाओगे? 100, तो ये क्या होगा? 1/5। तो इसका मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। और स्टूडेंट देखो ये क्या होता है, ये 1 क्या चीज़ होती है इसमें, ये 4 क्या चीज़ होता है, ये समझ लो। देखो जब भी परसेंट को आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे ना, तो जो ये नीचे वाली संख्या होगी ना, ये वाला नंबर, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या होगी हमेशा, ये ध्यान रखना आपने। और जो ये ऊपर वाला नंबर, यहाँ लिख लेते हैं इसको अलग से, जैसे ये 4 है, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, ये वास्तविक संख्या होगी। और जो ये 1 होगा ना, ये इसका प्रतिशत रिजल्ट होगा, परसेंटेज रिजल्ट बोला जाएगा इसको, परसेंटेज रिजल्ट। देखिए ये परसेंटेज रिजल्ट क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। मैं आपसे बोलता हूँ कि 4 का 25% निकाल लो कितना होगा, तो आप क्या करोगे? 4 का 25% निकालने के लिए प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, तो ये इससे कट जाएगा 25 पे, और इस 25 से ये 25, तो कितना बचा? 1। तो इसका मतलब ये होता है विद्यार्थियों, जो ये 4 होता है ना, इसका हम 25% निकाल लेंगे ना, तो कितना आएगा? हमेशा 1। तो आप ये ध्यान रखना, जो ये नीचे वाली हमारी संख्या होगी ना, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी, और जो ये ऊपर वाली होगी ना संख्या, ये हमारी हमेशा परसेंटेज रिजल्ट होगा, ये हमने ध्यान रखना है। ऐसे ही इसमें होगा, ये क्या होगा? ये इसका ओरिजिनल नंबर और ये इसका परसेंटेज रिजल्ट। देखो कुछ ऐसी फ्रैक्शन और होती हैं, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं, मिश्रित भिन्न बोलते हैं हम इसको। तो पहले तो क्या करेंगे हम, इस मिश्रित भिन्न को पहले सिंपल में चेंज करेंगे, सिंपल में ये क्या हो जाएगी? 24 और 1 25, 25/4, ये सिंपल में चेंज होगी हमारी,
अब हम क्या करेंगे इसको, अब हम इसको दोबारा से ये परसेंटेज हटाने के लिए इसको 100 से डिवाइड करेंगे। परसेंटेज हटाने के लिए इसको क्या करेंगे, ये प्रतिशत हटाने के लिए 100 अपॉन में आ जाएगा, इसके 100 से भाग करेंगे इसको, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अब देखो 25 से ये कट जाएगा 4 पे, और ये कितना आ गया 1/16। अब ये ध्यान रखना, 6 से 1/4 का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, 1/16। अब क्या हो गया, जब आप 16 का 6 से 1/4 प्रतिशत निकालोगे तो वो कितना आएगा, 1। जैसे देखो 16 का 6 से 1/4 का मतलब क्या होता है 25/4। ये आप निकालोगे स्टूडेंट तो ये कितना आएगा, हमेशा ये ध्यान रखना, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100, ये 4 से 4 पे कट जाएगा 25 से, 16 से ये 16, तो क्या बचा 1 हमेशा। तो ये ध्यान रखना स्टूडेंट, जो ये पहले तो हमें हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ मिलेगा, हमें परसेंटेज दिया हुआ मिलेगा, उस परसेंटेज को हमने क्या करना है, पहले फ्रैक्शन में चेंज करना है, चाहे वो मिक्स फ्रैक्शन दे रखी हो या फिर वो सिंपल कोई नंबर लिख रखा हो। तो आप देखोगे जो फ्रैक्शन हमारे सामने आएगी ना, उसमें जो ये नीचे वाला नंबर होगा ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी, और जो ऊपर वाला नंबर होगा ना ये हमेशा परसेंटेज रिजल्ट होगा स्टूडेंट। ये ध्यान रखना, ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आएंगे हमें, ये जो हम इंटरेस्ट का चैप्टर पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ भी काम आएंगी। तो इसी तरह से मैं कुछ फ्रैक्शन लिख रहा हूँ आपके सामने और वो आपको याद रखनी है। देखो याद रखने का क्या फ़ायदा होगा, एक तो हम इसको पूरा डिटेल से सोल्व करें एग्ज़ाम में, और एक हमें डायरेक्ट पता हो कि 6 से 1/4 का मतलब क्या होता है 1/16। तो ये आपने डायरेक्ट याद रखने हैं। देखिए कुछ ऐसी फ्रैक्शन देखते हैं, तो देखिए स्टूडेंट हम कुछ फ्रैक्शन देखते हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इन फ्रैक्शंस का बार बार यूज़ होता है एग्ज़ाम में और लगभग यही देखने को मिलेंगे आपने, क्योंकि देखो परसेंटेज में तो यूज़ होंगी ये साथ में। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है हमारे लिए क्योंकि ये हमें लाभ आने जो प्रॉफिट लॉस होगा उसमें भी हेल्प करेंगे ये सारी फ्रैक्शन। जो हम ब्याज पढ़ेंगे इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया या सिंपल इंटरेस्ट हो गया, उसमें भी यूज़ होंगी हमारी, क्योंकि रेट हमें मिलती है परसेंटेज में दी हुई। तो देखो 80% इसको हमने चेंज कर दिया फ्रैक्शन में, ये सिंपल मेथड है कुछ नहीं, 80/100 परसेंटेज हटाने के लिए हमने 100 लगा दिया, ये कट जाएगा 4 और 5। बस आपको ये ध्यान रखना है जो ये नीचे वाली वैल्यू है ना 5, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। और जब इस 5 का 80% निकालोगे ना, 5 का 80% निकालोगे तो हमें 4 निकल के आएगा हमारे सामने, ठीक है, ये चाहे निकाल के देख लेना। ऐसे ही देखो यहाँ पे ये हमने समझा ही दिया था, जैसे 20% इसकी फ्रैक्शन है 1/5, ये ओरिजिनल नंबर होगा हमेशा नीचे वाली संख्या, इसका जब आप 20% निकालोगे ना तो वो 1 निकल के आएगा 1। ऐसे ही इसको देख लो 81/3%, जो नीचे वाली संख्या है ना 12, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगी। और जब इस 12 का आप 81/3% निकालोगे तो वो कितना निकल के आएगा 1 निकल के आएगा। ये सभी पे लागू होगा ये नियम, ऐसा ही होता है इसमें, ठीक है स्टूडेंट। और देखो कुछ ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है हमारे सामने, ये बहुत इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। जैसे ये फ्रैक्शन लिखी है हमारे सामने, आप देख रहे हैं ये है 44/9%। अब स्टूडेंट इसको बड़े ध्यान से देखना आप, इस वाली फ्रैक्शन को, ये इससे कितनी, जो ये 11/1/9% है इसकी वैल्यू कितनी है 1/9, 11/1/9 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 1/9। अब देखो जो ये वाला नंबर है 44/4/9, क्या ये 11/1/9% से 4 टाइम्स नहीं है, क्या ये इससे 4 गुना ज़्यादा नहीं है ये नंबर? अगर ये नंबर, ये वाला नंबर इससे 4 गुना ज़्यादा है तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वो इसकी वैल्यू की भी 4 गुना ज़्यादा होगी, 4 टाइम्स होगी। इसकी वैल्यू 1/9 तो इसकी क्या होगी 4/9। अब ऐसे ही इसको देखो 77/7/9%, ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है ये 11/1/9 से 7 टाइम्स ज़्यादा है, 7 गुना ज़्यादा है ये। अगर ये फ्रैक्शन 7 गुना ज़्यादा है
तो इसकी जो वैल्यू है 11 1/9% की, 1/9 इसकी वैल्यू इसकी 9 times हो जाएगी, ये भी इसकी क्या होगी 9 times, तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 7 times है, सॉरी 9 times नहीं ये 7 times है, तो 7 times हो जाएगी तो कितनी होगी 7/9, ठीक है। ऐसे ही आप इसको देखो 66 2/3%, हम यहाँ देखते हैं हमें ये वैल्यू याद होनी चाहिए 33 1/3%, इसकी कितनी होती है 1/3 होती है इसकी वैल्यू। हम देखते हैं ये फ्रैक्शन है जो ये इससे क्या है 2 times ज़्यादा है, 2 गुना ज़्यादा है ये फ्रैक्शन इस वाड़ी से, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/3, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 2 times हो जाएगी इस वैल्यू की, तो ये कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 2/3। देखो ये आप याद रखना, बार बार हम जब इनको क्वेश्चनों में यूज़ करेंगे तो याद भी हो जाएंगे आपको, और पेज पे अच्छे से उतार लेना इन वैल्यूज़ को। तो देखिए दोस्तों हमने जो फ्रैक्शन लिखी थी उन्हीं पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखो जो ये क्वेश्चन होंगे ना ये बिल्कुल सिंपल होंगे और बहुत सारे एग्जामों में ये देखने को भी मिल जाएंगे आपको, ठीक है। बस हमने कुछ नहीं करना, इन फ्रैक्शंस का यूज सीखना है कि हम इन फ्रैक्शन जैसे 25% की फ्रैक्शन बनाएंगे ना तो उसका यूज कैसे होगा क्वेश्चनों में, बस ये सीखेंगे हम इनसे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में देखने को भी मिलेंगे आपको। देखो मैं एक बार इसका डिटेल मेथड बता देता हूँ आपको कि इस क्वेश्चन को हम डिटेल से कैसे करेंगे बेसिक से। देखो एक्स वाले मेथड से बताता हूँ एक बार, फिर हमने एक्स नहीं लगाना इसमें। ये बोल रहा है अगर किसी संख्या में उसका 25% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5050 हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करनी, तो हमें वो संख्या बतानी है वो संख्या कितनी होगी। तो देखो एक बार हमने वो संख्या क्या मान ली x, फिर इसने क्या बोला उसका 25% उस संख्या में जोड़ते हैं। मान लो x में x का 25% हमने जोड़ दिया, x में x का 25 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, का प्रतिशत इसमें ऐड कर दिया, तो ये संख्या कितनी हो जाएगी 5050। तो जब आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे ना तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा जो हमने संख्या माननी थी। अब देखो ये परसेंटेज है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसके बटे में 100 लगा देंगे, अपॉन में 100। अब देखो स्टूडेंट ये कट रहा है 1/4, ठीक है, तो ये हमारे सामने आ गया x ही लिख लो क्योंकि x की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x ही हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 5050। अब देखो स्टूडेंट इसका LCM लेना पड़ेगा अपने, यहाँ पे LCM आ गया 4, यहाँ 1 होता है इसके अपॉन में, तो ये कितना हो जाएगा 4x+x इज इक्वल टू 5050। इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 5x/4 इज इक्वल टू 5050। अब देखो स्टूडेंट ये 5 इधर क्या है मल्टीप्लाई में और ये 4 क्या है डिवाइड में, तो जो ये 4 है ना ये तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा इधर जाके, और जो हमारा ये 5 है ना ये इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, इससे काट दो इसको 1 1, इसकी मल्टीप्लाई कर दो 4040, ये हमारा आंसर होगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। लेकिन देखो ये बहुत ही डिटेल मेथड होता है, ये बेसिक होता है, हमने x से नहीं करना इस क्वेश्चन को, हमने जो फ्रैक्शन बताई थी ना प्रतिशत परसेंटेज की जो फ्रैक्शन बनानी है उस मेथड से करना है। देखो हमें पता है 25% इसकी फ्रैक्शन क्या होती है स्टूडेंट 1/4 होती है, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो 1/4 होती है, और मैंने आपसे यह भी बताया था कि जो 4 जो नीचे वाली संख्या होगी ना वो हमेशा वास्तविक संख्या होगी ओरिजिनल नंबर होगी, ठीक है। अब देखो जब हम 4 का 25% निकालेंगे तो कितना आएगा 1, क्योंकि ये ऊपर वाली संख्या प्रतिशत रिजल्ट होता है। अब वो क्या कर रहा है वो जोड़ने की बात कर रहा है, जब मैं 4 का 25% निकालूंगा 1 और उसमें उसको ऐड करूंगा तो देखो ये हमने मान ली ओरिजिनल नंबर,
ओरिजिनल नंबर कितना होगा? चार। जब हम इस चार का 25% एक इसमें ऐड करेंगे तो न्यू नंबर निकल के आएगा हमारे सामने और वो कितना होगा? पाँच। लेकिन हम क्वेश्चन में देखते हैं वो नया नंबर हमारे सामने कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 5050, लेकिन हमारा कितना है? पाँच। तो हमने ये देखना है ये इस 5005 ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, जो 5050 है ये 5 से कितने गुना ज़्यादा है। तो हम इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, तो क्या आएगा? 1010। अब देखो स्टूडेंट, अगर ये संख्या इससे 1010 गुना ज़्यादा है ना, तो जो हमारा ओरिजिनल नंबर होगा ना ये भी क्या होगा? 1010 गुना ज़्यादा, और क्या आएगा? 4040, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे यूज होगा स्टूडेंट इन फ्रैक्शन का, पूरे परसेंटेज में ऐसे यूज करना है। बस हमने ये याद रखना है जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल नंबर होगी और ऊपर वाला क्या होगा? परसेंटेज रिजल्ट। अब वो घटाने की भी बात कर सकता है या ऐड करने की भी कर सकता है। चलो देखिए, देखिए दोस्तों हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर किसी संख्या में उसी का 16 से 2/3% जोड़ते हैं तो वह संख्या कितनी हो जाती है? 4956 हो जाती है। तो वास्तविक संख्या बतानी, हमने वो संख्या बतानी है कि जिस संख्या में हम उसका 16 से 2/3% ऐड करेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 4956। तो देखो पिछले क्वेश्चन में मैंने इसके दो तरीके बताए, एक तो आप इसको डिटेल से कर सकते हैं बेसिक मेथड से, या दूसरा आप फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं परसेंटेज की। तो हमें कम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना है, बस फ्रैक्शन यूज करनी है, और इन क्वेश्चनों में हम सिर्फ फ्रैक्शनों का यूज करना सीख रहे हैं कि ये कैसे यूज होंगी जो आगे हाई लेवल के क्वेश्चन आएंगे उनमें। तो देखो स्टूडेंट, 16 से 2/3% परसेंटेज, इसकी फ्रैक्शन आप निकालोगे तो कितनी आएगी? 1/6, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो ये नीचे वाली संख्या ये हमारी क्या होगी? ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कितना होगा हमारा? 6। ये हमने वास्तविक संख्या मान ली इसकी। और अब देखो जब हम 6 का इस ओरिजिनल नंबर का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। 6 का 16 से 2/3% निकालेंगे तो कितना आएगा? 1। जब हमने वो संख्या मान ली 6 और उसमें हम उसका 16 से 2/3% यानी 1 जोड़ेंगे तो वो संख्या कितनी हो जाएगी हमारी? जो न्यू नंबर है वो कितना हो जाएगा हमारा? 7 हो जाएगा, 1 ऐड होगा, 6 का 16 से 2/3% उसमें ऐड करेंगे। लेकिन वो नया नंबर हमें क्या दे रखा है? 7 नहीं दे रखा, क्वेश्चन में कितना दे रखा है? वो 4956 दे रखा है। तो अब हमने ये देखना ये 7 से कितने गुना ज़्यादा है, कितने टाइम्स ज़्यादा है। तो कुछ नहीं करना, 7 से डिवाइड करना इस नंबर को, बस 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 7, 0 और 8, ये 7 से कितने टाइम्स ज़्यादा है? 708 टाइम ज़्यादा है। तो ये नंबर भी क्या हो जाएगा हमारा जो ओरिजिनल है ये भी 708 गुना ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट? 48 और 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? अगर किसी संख्या में उसी का 6 से 2/3% घटा दिया जाए, अब की बार घटा रहा है वो, ये ध्यान रखना, घटा दिया जाए तो वह संख्या 5670 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात करनी, अब की बार देखो उसने घटा दिया उस संख्या को, वास्तविक संख्या में से 6 से 2/3% को घटाना है अब की बार। तो देखो 6 से 2/3% इसकी फ्रैक्शन निकालोगे, 6 18 और 2 20, 20/3% हटाने के लिए अपन में 100 लगाओगे, 20 5 100, 1/15, ये इसकी क्या हो जाएगी? फ्रैक्शन 1/15। तो अब हमने जो ओरिजिनल नंबर है ना वास्तविक संख्या, उसको क्या मान लिया कि जो ये 15 है ना यही मान लिया हमने कि वो वास्तविक संख्या, ये ओरिजिनल नंबर।
जो वास्तविक संख्या हमने निकालनी वो हमने 15 ही मान ली, क्योंकि फ्रैक्शन में नीचे वाली संख्या हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। जब हम 15 का 6 से ही 2/3% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1। अब वो क्या करना है, वो 6 से ही 2/3% घटाना है, मतलब 15 में से 1 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमारा जो नया नंबर आएगा ना वो कितना हो जाएगा, 14। तो 14 वो संख्या होगी जो नहीं आएगी। लेकिन उसने क्या बोला, तो वह संख्या कितनी हो जाती है, 5670। लेकिन हमारी तो 14 हुई, 5670, हमें ये देखना है 14 से कितने गुना ज़्यादा है ये संख्या। तो हम इसको 14 से डिवाइड करेंगे, 405 गुना, मतलब 14 से 405 गुना ज़्यादा है ये संख्या। तो ये 15 से भी क्या हो जाएगी, 405 गुना ज़्यादा, 6075 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अगर किसी संख्या का 11 से 1/9% इसी में जोड़ते हैं तो वह संख्या 900 हो जाती है। तो मूल संख्या बतानी है, वास्तविक संख्या क्या होगी। तो देखो इसको आप कर लोगे, सिंपल है, 11 से 1/9%, इसकी फ्रैक्शन क्या होगी, 1/9 होगी। तो जो ये 9 है ना नीचे वाली संख्या, ये हमने ओरिजिनल नंबर मान ली, मूल संख्या मान ली, वास्तविक जो संख्या वही मान ली। अब हम इसका 9 का 11 से 1/9% निकाल लेंगे तो वो कितना आएगा, 1। और वो क्या कर रहा है, उसमें जोड़ रहा है अब की बार। तो नया जो नंबर आएगा, जो नई संख्या, वो कितनी हो जाएगी हमारी, 10। क्योंकि 9 का 11 से 1/9% कितना होता है, 1। और 9 हमने क्या माननी है, वो वास्तविक संख्या। इसका 11 से 1/9% 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में 10 नहीं दे रखी हमें, वो संख्या कितनी दे रखी है, 900। तो ये इससे कितने गुना ज़्यादा है, 90 गुना ज़्यादा। तो इससे भी क्या हो जाएगी, ये 90 गुना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा, 810। ये हमारा आंसर होगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अगर किसी आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ा दी जाए और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रतिशत परिणाम को ज्ञात करना है, कि क्षेत्रफल पे कितने प्रतिशत का प्रभाव पड़ेगा उस आयत के। तो देखिए हमने ना तो कोई इसमें एक्स लगाने की ज़रूरत है, बिल्कुल बेसिक मेथड से करेंगे जो हम अब तक करते आ रहे हैं फ्रैक्शन वाले से। तो देखो हमें पता है 37 से 1/2% इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 3/8, ये इसकी फ्रैक्शन होगी। दूसरी फ्रैक्शन परसेंटेज क्या दे रखी है हमें, 20%, इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/5। सबसे पहले तो हमने जो परसेंटेज में जो नंबर दे रखे हैं, जो फ्रैक्शन दे रखे हैं, उसको सिंपल में चेंज करना होता है, ठीक है। अब देखो आपको आयत का एरिया, क्षेत्रफल भी पता होगा, एक रेक्टेंगल का क्या एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये क्या होता है, एक आयत का क्षेत्रफल होता है, एक रेक्टेंगल का एरिया होता है ये, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब वो क्या बोल रहा है कि आयत की जो लंबाई है ना वो 37 से 1/2% से बढ़ा दी जाती है। तो हमें पता है 37 से 1/2% की फ्रैक्शन क्या होगी, 3/8। जो ये 8 है ना, ये हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, वास्तविक जो संख्या होती है। तो हम पहले आयत की लंबाई को कितनी मान लेते हैं कि 8 थी, 8 सेंटीमीटर थी इसकी पहले लंबाई। फिर हमने क्या किया, 37 से 1/2% बढ़ा दिया, 8 का 37 से 1/2% कितना होता है, 3, मतलब 3 की वृद्धि कर दी हमने लंबाई में। तो अब लंबाई कितनी हो जाएगी इस आयत की, 11/11। अब वो चौड़ाई में क्या कर रहा है, 20% की कमी कर रहा है चौड़ाई में, और 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5। अगर पहले चौड़ाई उसकी 5 थी, पहले चौड़ाई कितनी थी, 5, 5 का 20% हमने निकाला तो कितना आया, 1, इसकी कमी कर दी अब की बार तो उसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 4। और देखो क्षेत्रफल कुछ नहीं है, ये तो क्या है, ओरिजिनल,
ओरिजिनल एरिया है, ये ओरिजिनल क्षेत्रफल, और जो ये आएगा ये हमारा न्यू आएगा, नया एरिया आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। पहले क्षेत्रफल कितना था 40, अब क्षेत्रफल कितना हो गया 44। क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, पहले एरिया कितना था 40, अब एरिया कितना हो गया 44, तो वृद्धि हो रही है एरिया में। कितने की वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है, और वो किस पे हो रही है, ओरिजिनल पे 40 पे वृद्धि हो रही है, 4 की वृद्धि हो रही है किस पे 40 पे, और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो ये कट जाएगा इससे जीरो से, ये कितना आ गया 10%। मतलब क्या है, उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 10% बढ़ जाएगा। ये दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एक किसी वर्ग की भुजा को 40% बढ़ा दिया जाता है तो उसके क्षेत्रफल पे पड़ने वाला प्रभाव प्रतिशत ज्ञात करो। देखो आपको पता है 40% की फ्रैक्शन निकालनी हमने, पहले 40% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी, परसेंटेज हटाओगे बटे में 100 लगाओगे तो कितनी हो जाएगी 2/5। अब देखो स्टूडेंट हमने क्या मान लिया, और आपको पता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणा भुजा, मतलब भुजा का वर्ग, स्क्वायर साइड इनटू साइड, ये होता है ज्योमेट्री में हमने बताया अच्छे से। अब देखो 2/5 फ्रैक्शन आ गई, पहले हम वर्ग की भुजा क्या मान लेते हैं कि पहले जो भुजा है ना उस वर्ग की वो कितनी है 5, फिर क्या करता है वो भुजा में 40% की वृद्धि कर देता है, 5 का 40% कितना होता है 2, 2 की वृद्धि कर दी तो भुजा कितनी हो जाएगी हमारी 7। अब देखो हमने कुछ नहीं करना, सिर्फ क्षेत्रफल निकालना है, और क्षेत्रफल हमें पता है भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा का वर्ग साइड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कर दो और इस 7 का स्क्वायर कर दो, ये पहले वाली भुजा थी और ये 40% का इंक्रीज होने के बाद भुजा होगी, तो पहले एरिया कितना था 25, अब एरिया कितना हो गया 49। तो अब ये देखो एरिया में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, पहले 25 था 49 हो गया, तो वृद्धि हो रही है एरिया में, कितने की वृद्धि हो रही है 24 की वृद्धि हो रही है एरिया में, और ये वृद्धि किस पे हो रही है, ओरिजिनल मूल जो वास्तविक क्षेत्रफल है उस पे, तो प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 24/25 और गुणा में 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए इसको 25 से ये कट जाएगा 4 पे और 24 चौके होता है 96, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट इस क्वेश्चन का। देखिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चीनी के मूल्य में 16/3% की वृद्धि हो जाती है और वृद्धि होने की वजह से किसी परिवार की खपत में 20% की कमी हो जाती है तो उनके खर्चे पर पड़ने वाला प्रतिशत प्रभाव ज्ञात करना हमने। देखो चीनी में मूल्य अगर बढ़ेगा तो खपत ऑटोमेटिक हमारी कम हो जाएगी, अगर देखो मूल्य कम होगा तो खपत हम बढ़ा देंगे अपनी। देखो मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 16/3% की, अब हम देखो 16/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या होगी 1/6, दूसरी प्रतिशत क्या है हमारे पास 20%। देखो 16/3% की तो वृद्धि हो रही है और 20% क्या हो रही है खपत में कमी हो रही है तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी 1/5। अब देखो स्टूडेंट इसका मतलब समझो क्वेश्चन का क्या है कि चीनी के मूल्य में है ना इतने की वृद्धि होगी तो खपत में 20% की कमी होगी। अब देखो जब हमने इसकी फ्रैक्शन बनाई तो ये आ गई, इसका मतलब क्या है जो ये नीचे वाली संख्या है ना ये हमने क्या मान लिया कि ये पहले चीनी का मूल्य था, कीमत क्या थी पहले चीनी की 6 रुपये थी, पहले चीनी की कीमत क्या थी 6 रुपये, अब उसमें 16/2/3% की वृद्धि होगी, मतलब 6 का 16/2/3% कितना होता है 1, इसकी वृद्धि होगी 1 तो ये मूल्य कितना हो जाएगा 7 रुपये, अब मूल्य 7 रुपये होगा चीनी का,
फिर क्या हुआ, मूल्य बढ़ा तो हमने अपनी खपत कम कर दी। पहले हम कितनी खपत करते थे चीनी की, 5 किलो खपत लिख लो यहाँ पे। पहले खपत कितनी थी हमारी, 5। अब 5 में 20% की कमी कर दी हमने खपत की, मतलब 1 की कमी कर दी, 5 का 20% 1 होता है, तो अब हमारी खपत कितनी होगी, 4 की। तो देखो स्टूडेंट, पहले हम 6 रुपये में 5 किलो चीनी लेके आते थे, 6 रुपये के हिसाब से, 6 रुपये के हिसाब से 5 किलो चीनी लेके आते थे, 6 रुपये पर केजी चीनी का मूल्य क्या था, 6 रुपये पर केजी था। तो हमारी खपत कितनी थी, 5 किलो की। तो हम खर्चा कितना करते थे उस चीनी के लिए, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्चा आ जाएगा हमारा, खर्च कितना, 30 रुपये। पहले हम चीनी पे कितने की खपत खर्चा करते थे, 30 रुपये का, क्योंकि पहले चीनी का मूल्य क्या था, 6 रुपये पर केजी, और हम 5 किलो चीनी की खपत करते थे। अब चीनी का मूल्य क्या हो गया, 7 रुपये पर केजी हो गया चीनी का मूल्य, तो हमने खपत कम करके कितनी कर दी, 4 केजी। तो हम कितने रुपए खर्च कर रहे हैं अब इस पे चीनी पे, तो कितने कर रहे हैं, 28 रुपये खर्च कर रहे हैं हम चीनी पे। तो जो हमारा खर्चा है वो बढ़ा या कम हुआ, हमारा खर्चा यहाँ हमें पता है, पहले हम 30 रुपये खर्च करते थे, अब हम कितने कर रहे हैं, 28 रुपये, तो हमारा खर्चा क्या होगा, यहाँ से कम हो गया, कितने कम हो गया, 2 की कमी होगी खर्चे में, और किस पे होगी, 30 पे, 2 की कमी और 30 पे। तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको काट लो, ये कितना हो गया, 20/3। अब वो देखो, जो हमारा आंसर होगा ना वो हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में दिया मिलेगा आपको, तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6/2/3%, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी सिनेमा हॉल की जो टिकट की बिक्री है वो 57/1/7% बढ़ जाती है, और जो टिकट का मूल्य है वो भी 16/2/3% क्या होता है, बढ़ा दिया जाता है, तो उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसके राजस्व में कितने प्रतिशत की, कैसे होगा, सोल्व करते हैं इसको। 57/1/7% की जो फ्रैक्शन होगी वो क्या होगी, 4/7 होगी। इसको सोल्व करोगे इसके साथ मल्टीप्लाई करके और अपॉन में 100 लाओगे तो ये सोल्व हो जाएगा। 16/2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी हमारी, 1/6, 1/6। अब देखो टिकट की बिक्री बढ़ गई, यहाँ लिखते हैं बिक्री, ये है बिक्री में कितने की वृद्धि हो रही है, 57/1/7% की वृद्धि हो रही है। देखो पहले हम मान लेते हैं 7 टिकट बिकती थी, पहले कितनी टिकट बिकती थी, 7, ये ओरिजिनल नंबर होता है नीचे वाली संख्या। अब देखो टिकट की बिक्री 7/57/1/7% की वृद्धि होगी, और 7/57/1/7% कितना होता है, 4 की वृद्धि होगी बिक्री में, तो बिक्री अब कितनी टिकटों की होगी, 11 की। जब टिकटों की बिक्री बढ़ी ना तो उसने क्या किया, मूल्य में भी वृद्धि कर दी टिकटों की। पहले जो एक टिकट का मूल्य था वो कितना था, मूल्य एक टिकट का मूल्य 6 रुपये था, ठीक है, फिर उसने क्या किया, इस 6 में 16/2/3% मतलब 1 की वृद्धि कर दी, कितना कर दिया मूल्य, 7 रुपये। देखो 6 का 16/2/3% 1 होता है, क्योंकि ये प्रतिशत रिजल्ट होता है ऊपर वाला नंबर इस नीचे वाले नंबर का, ये हमने बताया था। अब देखो तो उसका राजस्व क्या हो जाएगा, मतलब उसकी जो इनकम होगी वो कितनी होगी, पहले वो 7 टिकट बेचता था 6 रुपये के हिसाब से, तो कितने रुपए की इनकम होती थी उसकी, 42 रुपये की इनकम होती थी, 7 टिकट बेचता था 6 रुपये पर टिकट के हिसाब से। फिर उसने क्या किया, उसके टिकट में बिक्री में वृद्धि होगी, 11 टिकट बेचने लग गया वो, तो उसने मूल्य में भी वृद्धि कर दी, 7 रुपये पर टिकट कर दिया, तो अब कितना राजस्व होगा उसका यहाँ से, 77। अब उसको 77 रुपये मिलने लगे उस टिकट से।
अब देखो कितने रुपए की वृद्धि होगी इस केस में, ₹35। मतलब क्या होगा, पहले उसका राजस्व 42 था, अब कितना हो गया 77, तो कितना बढ़ गया उसका राजस्व 35। और ये किस पे बढ़ा है 35 स्टूडेंट, ये 42 पे बढ़ा है। तो आप क्या करोगे 35/42 और मल्टीप्लाई क्या करोगे 100। अब क्या करोगे, हम इसको चेंज कर देंगे, कटता उसको काट दो, दो से काट दो इसको, 21 ये 50, इसकी मल्टीप्लाई करके आप निकालना इसका आंसर क्या आएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसके राजस्व में जो वृद्धि होगी वो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का।